दक्षा जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने एक साल पूरे किए तो उनके कार्य को आप कैसे देखती है? क्या महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की जनता के लिए कितने हित में उन्होंने कार्य किया, क्योंकि कोरोना महामारी भी इस समय फैली हुई थी? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ या जब भी से महाविकास आघाड़ी का एक नया निर्माण हुआ त्रिपुटी सरकार का, मुझे ऐसा लगता है कि टोटली सीएम टोटली फ्लॉप है। इन दिनों तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे थोड़े दिन में अपने झंडे का कलर भी बदली करके हरा कर देंगे। आपने काफ़ी न्यूज़ मीडिया में देखा होगा कि जिस ढंग से वो कांग्रेस के चाल चलन पर चलने जा रहे हैं और शरद पवार की इनकी त्रिपुटी सरकार को मिला के, मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना महामारी ने भी उन्होंने इतना काम किया है। और लोग आज त्रस्त है, छोटे से छोटा काम भी रहने दो, फेरी वाला का विषय रहने दो, बाकी बीएमसी के भी काम अगर देखे जाए तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अभी कहीं शुरुआत हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई महानगर पालिका में आने वाले दिनों में ये टोटली शिवसेना की सरकार जो है, त्रिपुटी सरकार है, टोटली फ्लॉप होगी। और अवश्य जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस जी ने गए 5 साल काम किया, आज देखा जाए तो मुंबई मेट्रो का काम ठप पड़ा है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे ठप पड़े हैं जिससे लोग त्रस्त है। वरना आज लोग उस मेट्रो में जाने वाले थे और जाते थे, उसका बेनिफिट लेते थे, ये मैं कहना चाहूंगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।